ये कहते हैं कि सईना माविया रजी अल्लाह की जंग हुई लड़ाई हुई अली के साथ क्यों लड़ पड़े ये इतराज तो बैत को नहीं है और आया मुसलिम ने इस सवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है और यह भी ये बयान करते हैं कि नबी करीब सलम ने सईना अम्मार से कहा था कि अम्मार आपको एक बागी गुरु कतल कर देगा कि माज उनको जन्नत तरफ बुलाएंगे अम्मार और वो उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे तो आय ने लिखा है कि सुन्न अस बहानी पांच सौ पैंतीस इजरी में फौत होते हैं आप फरमाते हैं इससे मुराद खारजी है सियाबा तो नहीं हो सकते स्याबा से अमार के कातिल नहीं हैं कातिल तो खारजी हैं जनाबे माविया के ग्रोह में अली के ग्रोह में जो छुपे हुए थे जिनकी शर और शरारत वैसे सहाबा में जंगे हो गई थी जिनका जंगों में किरदार था जो पेश पेश थे उन्होंने उनको कत्ल कर दिया तो नबी करीबल्लम ने उनके बारे में यह बात फरमा दी बागी ग्रोह आपको अम्बार शहीद करेगा साथ ही बुखारी हदीस है आप इन नबनी हाजा सैयद हसन मेरा बेटा है और ये सरदार है वल्ला भी बै नफ्यात ने अजीमत ने मिनल मुस्लिम अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बेटे के हाथों मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करा देगा सुबहान अल्लाह अगर माविया बागी होते तो कभी नबी पासल अपने बेटे हसन की तारीफ ना करते इस अकदाम पर कि माविया से सुलह करेगा माविया बागी नहीं है माविया का गुरोह बागी नहीं था रजी अल्लाह अगर बागी होते तो कभी नबी पासल अपने बेटे हसन की तारीफ ना करते इस हवाले से इससे क्या मालूम हुआ इससे क्या साबित हुआ साबित यह हुआ कि हसन रजी अल्लाह ताथ पर बैत की बिल्कुल सही और दुरुस्त बैत थी और तमाम के तमाम मुसलमानों ने भी आपको अपना बड़ा मान लिया और हुक्मरान तस्लीम कर लिया